बिलासपुर में नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित आदिकालीन पार्वती सिनेमा बंगाल मुखी मन्नादाई मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर के संस्थापक रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि माँ बगला मुखी मन्नादाई सोची स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर पहुंच श्रद्धालुओं का कहना है कि वे विगत कई सालों से आ रहे हैं, जिनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं। बिलासपुर से सतीश बाटवे की रिपोर्ट। आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर के नौ कलेवर प्रतिस्थापित होने के पश्चात दो वर्ष के भीतर ही मंदिर की ख्याति, खास करके आप जैसे मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा माता रानी के प्रचार प्रसार होने के परिणाम स्वरूप गाँव और आसपास के गाँव के लोग तो आते ही हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष गुप्त नवरात्रि के समय कोलकाता के भी जो श्रद्धालु थे वो बगला मुखी मंदिर का नाम सुनकर के यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर माता बगला मुखी का यहाँ पर जाप और अनुष्ठान कराया था। तो धीरे धीरे न केवल बिलासपुर जिला बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के लोग भी यहाँ पर आते जा रहे हैं और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माँ मन्नादाई मंदिर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो देवी की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सभी कुछ न कुछ जो भी सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है, परंतु माँ मन्नादाई के बारे में प्राचीन काल से यह ख्याति है कि जो भी निसंतान है, निशान दंपत्ति यदि यहाँ सच्चे मन से आकर के प्रार्थना करे और अपनी मनौती के नारियल बांधे तो यदि कोई विशेष भैसिक कारण न हो तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती। हाँ, मन्नादाई के बारे में सुना कि जो निसंतान है वो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ मन के बात को जैसे बोलते हैं ना, तो उनका पूर्ण होता है।